हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं हूं सबीरा। तो काइंडली जिस जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं अपनी वीडियो की तरफ आ रही हूं। तो मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए प्रिंसेस क्रिस्टीन की लिपस्टिक के बारे में रिव्यू। मेरी एक सिस्टर थी, उसने मुझे कहा कि प्रिंसेस जो लिपस्टिक है क्रिस्टीन की, उसके बारे में रिव्यू दें। पर्सनली मुझे इतना कोई खास ब्रांड नहीं लगा, लेकिन ये पाकिस्तानी ब्रांड है, अफोर्डेबल है। बट मुझे जो इसके बारे में पता है वो ऑनेस्टली मैं रिव्यू दूंगी। ये मैंने अब न्यू बाय किया और इसे यूज़ भी किया है। यहाँ पर देख लें इनकी पैकेजिंग ठीक है इनकी, नॉट बैड। ब्लैक कलर की ये पैकेजिंग आती है और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ मैट ग्लो लिपस्टिक। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने अपना कोड मेंशन कर दिया है। उसके अलावा यहाँ पे इनके सारे ये इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन कर दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि मेड इन पाकिस्तान है। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने प्राइस मेंशन किया, तो प्राइस इसकी 160 नहीं है, मार्केट में ये 175-170 में सेल हो रही है, लेकिन मुझे ये 150 में, मतलब 300 में दोनों मिल गई हैं। उसके अलावा 2020 से 2023 तक इसकी डेट है, तो अभी 2021 चल रहा है, तो 2 साल तक मैं इसे इजीली यूज़ कर सकती हूँ। उसके अलावा अब हम इसे ओपन करने से पहले देखेंगे, यहाँ पर इनकी 161 शेड का नंबर मेंशन है, उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये कुछ हमें इस तरह की मिलेगी। प्लास्टिक में इनकी पैकेजिंग है, पैकेजिंग कोई ठीक है, मतलब अगर आप इस तरह गिर जाती है आपसे नीचे तो ये टूटेगी नहीं, अंदर जो लिपस्टिक है वो आपकी सेव रहेगी। उसके अलावा जब हम इसे ओपन करते हैं तो ये कुछ इस तरह की हमें मिलती है। यहाँ पे क्रिस्टीन लिखा हुआ होता है, ओपन करने पर यह कुछ इस तरह की मैरून कलर की शेड है इसकी, और इतनी सी क्वांटिटी में हमें ये मिलती है। मेडोरा के मुकाबले में मतलब क्वांटिटी लाइक सेम ही होती है इनकी। और यहाँ पे देखें हम लोगों को यह 161 शेड का नंबर प्रोवाइड किया हुआ और यहाँ पे लिखा हुआ है प्ले मरून। तो मुझे एक इनकी बात ये अच्छी लगी कि मेडोरा की निस्बत इन्होंने यहाँ पर अगर नंबर प्रोवाइड किया तो उसके साथ उन्होंने शेड का नाम भी दिया हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है इनकी। उसके अलावा इसका स्वैच मैं आपको दिखा दूँ, तो स्वैच करने पर ये कुछ, ये न्यू मैंने लिया तो इतना कोई अच्छे तरीके से ये स्वैच नहीं होगा, बट ये देख लें आप, बड़ा मज़े का। वीडियो में इतना कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा, बट रियल में बड़ा प्यारा सा कलर है इसका, मैरून। अच्छा, एक बात मैं आपको इसकी बता दूं कि अगर इसको ये देखें, ये चीज़ मुझे इसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अगर मिसाल के तौर पर हम इसको ओपन कर रहे हैं, इसको ढक्कन को ओपन कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको ओपन करने के चक्कर में कभी कभी ये भी ओपन हो जाती है, तो ये चीज़ अब मुझे नहीं पता कि इनकी पैकेजिंग कैसी है। तो ये क्रिस्टीन वालों को चाहिए कि इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। पहले तो इनका जो दूसरी जो मेरे पास लिपस्टिक है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, उसकी बाद में आपको बाद में बताती हूँ कि उसमें मुझे क्या फ़र्क नज़र आया। अच्छा, ये अब दूसरी है, सेम पैकेजिंग, सब कुछ सेम है, प्राइस सेम है, 174 इसका शेड है। इसको ओपन करेंगे, ओपन करने पर ये हमें सेम मिलेगी, बट अब आप खुद देख लें कि इसकी पैकेजिंग कैसी है। अब उसकी अगर ये चीज़ ठीक थी, बट उसका नीचे वाला पार्ट ओपन हो रहा था, इसका ऊपर वाला पार्ट जो है वो लूज़ है बहुत ज़्यादा, लेकिन नीचे वाला टाइट है। ये चीज़ आपको मैं बताना चाह रही थी कि इनकी पैकेजिंग में थोड़ा सा ये फॉल्ट है, बट कलर इनके अच्छे हैं और ये कलर मुझे अच्छा लगा था, 174, तो ये मैंने बाय किया है। बहुत ही हसीन सा कलर है, मतलब जो ऑफिस गर्ल्स हैं और जो लाइट कलर पसंद करती हैं, अक्सर लड़कियों को लाइट कलर लगाए हुए अच्छे लगते हैं। मेरे ख्याल से जो अनमैरिड लड़कियां उनको लाइट कलर ही लगाए हुए अच्छे लगते हैं। अब इनका स्वैच देख लें, स्वैच करने पे ये कुछ इस तरह का कलर है, लाइट नूड सा, मतलब मैंने अभी इतना यूज़ नहीं किया हुआ इसलिए स्वैच सही से नहीं हो रहा। यूज़ करने पर बड़ा मज़े का स्वैच है इसका, देखें लिपस्टिक का शेड बहुत हसीन है। चलें जी, हम लोगों ने शेड के बारे में भी बात कर ली, पैकेजिंग के बारे में भी बात कर ली। अफोर्डेबल ब्रांड है पाकिस्तान का, और मेरे ख्याल से कि अगर कुछ लोग जो महंगे प्रोडक्ट नहीं बाय कर सकते तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। मेडोरा के मुकाबले में ये जो है ये 2 से 3 घंटे लिप्स पर स्टे करता है, लिप्स पैची नहीं होते, क्रीमी सा टेक्सचर है इनका, परमानेंट नहीं है। अगर आप चाय वगैरह पीते हैं तो उस पर ये अपना स्टेन छोड़ जाता है, ठीक है। और अगर मैट इसको लुक देनी हो आपने थोड़ी सी, क्योंकि ये थोड़े से ग्लोसी भी हैं, आप लिप पर थोड़ा सा पाउडर अप्लाई कर लें या कोई शेड लिप उसकी आई शेडो कोई अप्लाई कर लें लिप्स पर, तो फिर जो है ये थोड़ा सा मैट लुक देगा। और मैंने आज आपको अपना ऑनेस्ट जो रिव्यू था वो दे दिया है,
बाकी अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको लेते हैं या नहीं लेते। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, बट फिर भी अगर अफोर्डेबल है, आपको इसके शेड्स अच्छे लगते हैं, तो ज़रूर बाय करें। मेडोरा में ज़्यादा शेड आपको मिल जाएंगे, वो क्वालिटी वाइज भी अच्छे हैं, बट ये भी अच्छे हैं उनकी निस्बत, मेडोरा की निस्बत ये ज़्यादा देर लिप्स पर स्टे करते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।